मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को एक दिन का थानेदार बनाया गया। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत जनपद के समस्त प्रशासनिक पदों पर मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक अधिकारी थानेदार नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में थाना मंडुआ डी पर निश्चल गुप्ता को एक दिन का थानेदार सांकेतिक अधिकारी नियुक्त किया गया। निश्चल गुप्ता इंडस्ट्रियल एस्टेट चांदपुर निवासिनी मंडवाडी स्थित एक निजी कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हैं। पिता सुधीर गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं व माता गृहिणी हैं। साथ ही छोटी बहन कक्षा 8 की छात्रा है। इस दौरान निश्चल गुप्ता ने बताया कि वो आगे चलकर सिविल सर्विसेज सेवा में जाना चाहती हैं। एक दिन की थानेदार के सहयोगी अलमंता बानो निवासी मनवाडी रहीं। इस दौरान 6 प्रार्थना पत्र में एक दिन की थानेदार ने एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर बचे 5 प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को भिजवा दिया। आज सर मिशन शक्ति के तहत क्या कार्यक्रम रखा गया है उसे बता दीजिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं स्वावलंबन को दृष्टिगत रखते हुए जो मिशन शक्ति फेज 3 चल रहा है उसके तहत एक दिन के लिए बालिकाओं को थानाध्यक्ष या जो भी उसमें हो ऑफिस में उनको एक दिन का प्रभार देने का निर्देश था, उसी क्रम में हुआ। मेरा नाम निश्चल गुप्ता है, हम क्लास 11 महात्मा जी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे एक दिन के SO बने हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। मेरे को फ्यूचर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिल रहा है कि हाँ हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं और बिल्कुल बनेंगे। जैसे लोग बहुत डिसमोटिवेट करते थे कि नहीं बहुत टफ होता है या जो भी, बट यहाँ बैठ के बहुत उसके लिए प्रेरणा मिल रही है। पुलिस के कार्यों को अभी तक आपने बाहर से देखा, आज एक दिन की SHO बनी है, तो कितना फर्क आया आपके नजरिए में पुलिस के कार्यों को देखते हुए? यहाँ पे सारे कार्य बहुत मतलब पेशेंस के साथ करना पड़ता है और सब पढ़ के डीपली और सहना भी पड़ता है थोड़ा कि अपर जो भी है वो एक्शन ना ले। फिर क्या कहेंगे आप कि मिशन शक्ति जो अभियान चलाया जा रहा है लड़कियों के एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि सरकार की इस जो योजना है इसके विषय में? इससे गर्ल्स को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला, फिर हमें जो लोग देखेंगे उनके अंदर आएगा कि हाँ इसको डिफीट करना है या जो भी या फिर ऐसा करना है, तो वो लोग भी आगे जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा था कि इंस्पेक्टर बनने के लिए जैसे इतनी कम उम्र में आपको एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया गया है?